सब्सक्राइब करिए श्वेता दीदी कुकिंग चैनल को और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दूध का पतीला जब खाली हो जाता है तो इस तरीके से उस पर मलाई लगी रह जाती है। इसको साफ करना भी एक टेढ़ी खीर है। तो चलिए इसमें आटा मार लेते हैं। इसमें आटा मारने से आपकी रोटियां भी सॉफ्ट बनेंगी, आपका पतीला भी साफ हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। इसको साफ करने के 5 मिनट हमारे बच चुके हैं, तो चलिए दूसरी ट्रिक देख लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में ही स्टोर करें। इससे ये सीलते नहीं है, क्रिस्पी रहते हैं और इनका टेस्ट भी बरकरार रहता है। अगर फ्रिज में जगह ना हो तो आप इनको फ्रीजर में भी रख सकते हैं। सॉल्ट को सॉल्ट स्प्रिंकलर में डालना भी एक अच्छा खासा काम है। तो इसके लिए आप लीजिए एक पेपर, उसको एक कोन बनाइए और बड़ी ही आसानी से अपना नमक सॉल्ट स्प्रिंकलर में ट्रांसफर कर लीजिए। चलिए नमक तो डाल दिया नमकदानी में, मगर कुछ दिनों बाद जब ये नमक सील जाएगा तो अब क्या करेंगे। तो इसको वापस खोलिए, इसमें कुछ दाने चावल के डालिए, अच्छे से शेक कर लीजिए और लीजिए फ्री फ्लोइंग नमक तैयार है। मिर्चों को स्टोर करने के लिए पहले उनको धो लें और इस तरीके से उनकी डंडी हटा दें। अब 15 दिन तक आप इन मिर्चों को फ्रिज में आसानी से स्टोर कर सकती हैं। तो चलिए मिर्चें काट भी लेते हैं। अगर आप चाकू से काटेंगी तो आपके हाथों में जलन हो जाएंगी। अब अगली बार मिर्चें काटें तो कैंची से ही काटें, इससे आपके हाथों में जलन बिल्कुल भी नहीं होगी। ऑयल स्प्रे, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक खाली साफ स्प्रे बॉटल, अपना फेवरेट कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा पानी। यहाँ आप एस्ट्रिंजेंट या लेंस क्लीनर की खाली बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बॉटल को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। अब इस बॉटल में 1 टेबलस्पून ऑयल डालिए और 3 टेबलस्पून पानी, अच्छे से शेक कर लीजिए और आपका ऑयल स्प्रे तैयार है। अब इस ऑयल स्प्रे को डोसा या चीला बनाने से पहले अपने तवे पे स्प्रे करें या फिर अपने बेकिंग टिन पे, ब्रेड पे स्प्रे करें या फिर एक लो कैलोरी पराठे पे, बस एक बार अच्छे से शेक कर लें। अब अगली बार अंगूर काटने हो तो एक एक अंगूर मत काटिएगा। इस तरीके से एक प्लेट को उल्टा रखिएगा, उसके ऊपर अंगूर रख दीजिएगा, दूसरी प्लेट को उसके ऊपर रखिएगा, थोड़ा सा हाथ से दबाइएगा और एक साथ सारे अंगूर इक्वल हाफ में काट लीजिएगा। लीजिए आधे मिनट से भी कम टाइम में हमारे इतने सारे अंगूर कट के तैयार हैं। अब इनको फ्रूट सैलेड में डालिए या कस्टर्ड में। नींबू काटने के बाद जो हिस्सा बच जाता है वो इस तरीके से सूख जाता है और खराब हो जाता है। तो अगली बार जब नींबू काटें तो हल्का सा कट ऊपर से लगा लें। अब जितना भी रस चाहिए हो एक कटोरी में निचोड़ लें और इस्तेमाल कर लें। बाकी का नींबू आप फ्रिज में रख लें। क्योंकि कट छोटा है तो हमारा नींबू ऑक्सीडाइज कम होगा और ये ज्यादा दिन चलेगा। एंड 10th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैदे में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, तो मैदे को हमेशा फ्रिज में ही स्टोर करें। गर्मियों में दूध जरा भी देर अगर बाहर रह जाए तो इसके फटने के चांसेस होते हैं। तो इसको फटने से बचाने के लिए एक बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक ये है कि 1 लीटर दूध में आप 2 चुटकी खाना सोडा या बेकिंग सोडा डाल दें, उसके बाद उबालें। ऐसा करने से हमारा दूध नहीं फटेगा और नुकसान होने से भी बच जाएगा। कभी कभी दही की एक छोटी सी कटोरी फ्रिज में पीछे सरक जाती है और ये रखे रखे खट्टा हो जाता है, या फिर कभी कभी जब हम दही को जमाते हैं तो ये खट्टा ही जमता है। तो उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसे फेंकने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आप बना सकते अपने इडली या ढोकले का बैटर या फिर इसमें आप अपने भटूरे और नान का आटा मार सकते हैं। ये सभी चीजें खट्टे दही से ज्यादा अच्छी बनती हैं। कभी कभी हमारा दही बिल्कुल हल्का खट्टा होता है, खाने लायक होता है, तो इसको परफेक्ट दही बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। 1 कटोरे दही में 1/4 कटोरी दूध डाल दें, मिक्स कर लें और हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब आप इसका रायता बनाएं या लस्सी, लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। रायते को जनरली हम पहले से बना के फ्रिज में रख देते हैं ताकि जब हम इसको परोसें तो ये बिल्कुल ठंडा हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपना रायता पहले से ही प्रिपेयर करके रख सकते हैं, बस इसमें नमक मत डालिएगा।
रायते को परोसने के जस्ट पहले ही नमक डालें। अगर आप पहले से ही रायते में नमक डाल देंगे तो रायता खट्टा हो जाएगा और टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। सूजी, सूजी का पैकेट खुलते ही इसमें कीड़े लगने के चांसेस होते हैं, स्पेशली बारिशों के मौसम में। तो इसको स्टोर करने का आसान तरीका ये है कि आप इसको एक डिब्बे में या जिप लॉक बैग में बंद करके रख सकते हैं और फिर फ्रिज में स्टोर करें। अगर आपके पास फ्रिज में स्टोरेज स्पेस कम है तो आप इस तरीके से सूजी को सुनहरा होने तक भून सकते हैं, फिर उसके बाद इसको ठंडा कर ले। ठंडा होने के बाद इसको एक डिब्बे में बंद करके कांटों पे भी स्टोर कर सकते हैं, कीड़े नहीं लगेंगे। जब घर में कोई भी केले ना खा रहा हो तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के एक डिब्बे में बंद करके फ्रीज कर लीजिए। अब आप अपने फ्रोजन केले कस्टर्ड्स, आइसक्रीम और मिल्क शेक में बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हैक मैंने नो मशीन नो क्रीम नो मिल्क नो शुगर आइसक्रीम में आपके साथ शेयर किया ही था। इसकी रेसिपी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। केलों के डंठल में से इथाइलीन गैस ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है, तो इसको जब भी लेके आए इस तरीके से डंठल से अलग कर लें। अब आप इन केलों को अपने फ्रूट बास्केट में इस तरीके से एक दूसरे से अलग करके स्टोर करें। अगर आपको केलों को ज्यादा दिन तक चलाना है तो आप इनकी डंडियों को इस तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल या क्लिंग रैप से रैप कर सकते हैं, इससे केले जल्दी खराब नहीं होंगे। करी पत्ता, करी पत्ता अगर कड़ी या पोहे में डल जाए तो कहने ही क्या, मगर हर किसी के घर में करी पत्ते का पेड़ नहीं होता, तो आप इस तरीके से खूब सारा करी पत्ता किसी गार्डन या अपनी फ्रेंड के यहाँ से तोड़ के ला सकते हैं। इसको अच्छे से धो लीजिए, फिर पंखे में ही हवा में सुखा लीजिए। अब आप अपने सूखे हुए करी पत्ते को इस तरीके से टिश्यू पेपर में रैप करके एक डिब्बे में बंद करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये 15 दिन तक चल जाएगा। एक हफ्ते बाद अपने करी पत्तों को चेक कर लीजिएगा, अगर जरूरत महसूस हो तो आप टिश्यू पेपर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पूड़ी खाने से गैस बनती है तो जब भी पूड़ी का आटा मारे इस तरीके से एक टीस्पून अजवाइन डाल दें, इससे गैस नहीं बनेगी। और अगर आपको मेरी ही तरह करारी और फूली फूली पूड़ी पसंद है तो इस तरीके से 2 टेबलस्पून सूजी अपने पूड़ी के आटे में डाल दें, इससे आपकी पूड़ी करारी बनेगी और ज्यादा देर तक फूली रहेंगी। बची गुची चाय पत्ती से खिलाएं लाल लाल गुलाब के फूल। हम सभी के घर में चाय तो बनती ही है, तो इसको इस तरीके से धो लें और फिर इसको अपने गुलाब के पौधे में डाल दें। ये गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही अच्छी खाद होती है। जब भी हम जल्दी में होते हैं और इस फॉइल को बाहर खींचते हैं तो ये रोल निकल के बाहर गिर जाता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हर एल्यूमिनियम फॉइल के डब्बे में साइड में इस तरीके से 2 खांचे बने होते हैं, इन दोनों को अंदर फोल्ड कर दीजिए, ये आपके रोल को पकड़ के रखेंगे। अब आप अपना फॉइल किसी भी तरीके से खींचेगा, आपका रोल निकल के बाहर नहीं गिरेगा। चिप्स का पैकेट, वैसे तो ये पैकेट जब भी खुलता है तो इसके अंदर कुछ बचता नहीं है, मगर अगर इसमें कुछ बच जाए तो हम क्या करें। पहले पैकेट को दबा के इस तरीके से उसकी सारी हवा बाहर निकाल दें। अब दिखाए गए तरीके से 2 फोल्ड करें। अब पैकेट को पलट दीजिए और इस तरीके से छोटे छोटे फोल्ड करना शुरू करिए। जब पहले वाले फोल्ड की लाइंस आपको इस तरीके से दिखें तब आप रुक सकते हैं। और अब इन दोनों को इस तरीके से खींच के पलटा दें। पढ़ लीजिए, आपका मिनी चिप्स का पैकेट तैयार है। ये हैक सफर के लिए आइडियल है। अब अगली बार अगर आपके चिप्स बचेंगे तो आपका बैग या पर्स गंदा नहीं होगा। एंजॉय। दाल और चावल को कीड़ों से बचाने के लिए एक आसान और नेचुरल तरीका ये है कि हम इसमें 3 से 4 नीम की पत्तियां डाल दें। इस तरीके से मिक्स कर लें और आपके दाल और चावल में कीड़े नहीं आएंगे। मिक्सी की ब्लेड्स को शार्प या पैना करना हो तो महीने में एक बार इस तरीके से 1 कटोरी नमक इसमें डाल दें और करीबन 1 से 2 मिनट के लिए चला लें। इससे आपके ब्लेड्स हमेशा नए जैसे शार्प और पैने रहेंगे। गर्मियों में चींटियां बहुत ही ज्यादा दुखी करती हैं, तो आप इस तरीके से अपने चीनी के डब्बे में 3 से 4 लौंग डाल दें। अगर इसमें पहले से चींटियां आ गई हैं तो ढक्कन को थोड़ी देर खुला छोड़ दें, चींटियां अपने आप चली जाएंगी। लौंग इतनी ज्यादा कारगर है कि मैंने अपने बड़े वाले आटे के डिब्बे में भी लौंग डाल दी है।
अब चींटियां उसके आसपास भी नहीं आती। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगी। तो एक कटोरी में हमने डाला व्हाइट विनेगर या सिरका। अब इसमें हमने डाला बेकिंग सोडा। ये देखिए कितने बबल्स उठ रहे हैं। अब इस बेकिंग पाउडर को किचन काउंटर पे छिड़क दीजिए। किचन के कपड़े या मॉप पे सिरका डाल दीजिए। अब बहुत ही हल्के हाथों से इसको पोंछ लीजिए और आपका किचन बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगा। ये दोनों ही चीजें बहुत ही सस्ती मिलती हैं। एंजॉय। कभी कभी कुकर में प्रेशर नहीं आता है तो 10 मिनट के लिए आप इस रबर को फ्रीजर में रख दीजिए। 10 मिनट बाद आप इस रबर को दोबारा यूज कर सकते हैं। एंड एंजॉय। टमाटर को काटने के लिए इस तरीके से सीरेटेड या दांतदार चाकू का ही इस्तेमाल करें। ये देखिए, इससे टमाटर बहुत ही आसानी से कटता है। आप देख सकते हैं कि जूस भी नहीं निकल रहा है। चाकू की धार तेज करनी हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने कॉफी मग को उल्टा करिए और इस तरीके से चाकू को घुमा दीजिए और आपका चाकू पहले जैसा धारदार हो जाएगा। पास्ता को उबालते समय इसमें किसी भी तरीके का ऑयल या तेल ना डालें, इससे हमारा पास्ता चिकना हो जाता है और इसपे किसी भी तरीके की सॉस कोट नहीं हो पाती है। हमारे चैनल के कुछ और हैक वीडियोस जरूर देखेगा। इन सभी वीडियोस के डायरेक्ट लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अब चलते हैं, दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय।